गाइस आज हम जा रहे हैं लैंसडाउन से आगे जेरिकाल। बहुत ही अच्छा रिसोर्ट बना है मेरे फ्रेंड का, हम उसके वहाँ जा रहे हैं और आपको रास्ते में दिखाती रहूँगी अपना प्यारा खूबसूरत उत्तराखंड। बने रहे हमारे साथ, बहुत ही इंटरटेनमेंट और इंजॉयफुल ब्लॉग होने वाला है, बने रहे। देखो गाइस हमारी गाड़ी निकल गई है और बच्चे बैठ गए हैं और हम भी जा रहे हैं बैठने। ये हमारी मौसी आई हुई है। देखो गाइस मैं पहुंच गई हूँ अपने फ्रेंड के 100 ईयर हेरिटेज होम स्टे में और हम जा रहे हैं नीचे। नीचे की ओर है 0 किलोमीटर में और हमारे आगे वाले, हमारे साथ वाले ऑलरेडी आगे जा चुके हैं और मैं भी जा रही हूँ और आपको रास्ता दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सा रास्ता है और खूबसूरत वादियाँ हैं और आप यहाँ पे आ सकते हैं स्टे करने। बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस बना है, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाके। देखो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं, थोड़ा बहुत चढ़ाई वढ़ाई करके 100 ईयर 100 ईयर हेरिटेज होम स्टे संदीप ने रावत का है, मेरे फ्रेंड का। बहुत ही प्यारी जगह है, हम पहुंच गए हैं और पीछे इतना प्यारा गांव है, बहुत ही सुंदर गांव है नीचे। और ये आपको बीचों बीच में है उत्तराखंड के। ये देखो गाइस ये इस गांव का नाम क्या है, जेरिकाल है। देखो गाइस बहुत ही अच्छा 100 ईयर हेरिटेज बना हुआ है यहाँ पे आपका जेरिकाल में। रोड से थोड़ा ही नीचे है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम भी आए हैं यहाँ पे पहली बार और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये आपके डेकोरेशन के लिए चारों तरफ बांस के पेड़ हैं और जो भी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और आपका यहाँ पे वुड का काम है, आप जैसे ये आपका बोन फायर है और आप यहाँ पे वुड में बैठोगे आराम से। वुड की सीटें बनी हुई हैं हमारी, बहुत ही प्यारी। और ये आप देख रहे होंगे बहुत ही प्यारा गांव है जेरिकाल। और एक टॉप में घर है एकदम, बहुत ही अच्छा है सीढ़ीनुमा। और ये देखो गाइस रात को ये लाइटें बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे खेती भी करी है मेरे फ्रेंड ने, तो आपको सब चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनिक मिलेगी। और ये हमारा पहाड़ी पुदीना बहुत ही अच्छा है, मैं एक जड़ लेके जाऊंगी। और ये गुलाब तो और ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये नीचे लैट्रिन बाथरूम है। देखो गाइस बादल, कभी धूप कभी छांव हो रहा है, बहुत ही सुहाना मौसम है यहाँ पे। और मैं भी यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ, पहाड़ों का आनंद ले रही हूँ। अंदर खाना लग रहा है हमारा और आपको मिलती हूँ खाने में। ये रात के लिए हमारे लिए सोलर लाइटें, सब नेचुरल है। देखो गाइस कितना प्यारा बीत हुआ है रेड कलर का। देखो गाइस ये जो हमारी लाइट है ये सोलर लाइट है आपकी, इसलिए सब हमारा यहाँ पे नेचुरल है। यहाँ पे आप सोफे में बैठ के इंजॉय ले सकते हैं मौसम का। और देखते ही देखते मौसम में थोड़ा सा करवट ली है, थोड़ा हवाएं चली हैं और ऊपर बादल भी आ गया है। गांव में अक्सर ऐसे ही होता है, कब धूप कब छाँव पता ही नहीं चलता। और हम भी मौसम का आनंद लेते हुए। गाइस ये हमारा है डाइनिंग हॉल
और यहाँ पे हमारा खाना आ रहा है और हम भी बैठने जा रहे हैं यहाँ पे। और ये आपको दिख रहा होगा पूरा हमारा उत्तराखंड के जैसे घर होते हैं वैसे ही है। देखो भाई यहाँ पे लोटे रखे हुए, यहाँ पे हमारे गणेश जी भगवान है और ये सब मिट्टी का है। देखो यहाँ पे मिट्टी की लिपाई हो रही है सब कुछ। और पीछे हमारा टीवी भी है, बच्चे सैलेड का एंजॉय लेते हुए। पुराने जमाने का देखो हमारा कैसेट वाला, गाइस ये हमारे पुराने जमाने का कैसेट वाला रेडियो है, टैब रिकॉर्ड पुराने जमाने का। यहाँ पे आपको कैसेट, हाँ है तो चलता है ये, चलता है। देखो गाइस अब इसको तो देखे हुए जमाना हो गया है, मैं खुद इसे 8-9 साल बाद देख रही हूँ, शायद आप भी इसे बहुत मिस कर रहे होंगे। अब तो मोबाइल का जमाना है, लगा दो ये तो मिलेगा मिले कैसेट, अब तो कैसेट मिलेगी नहीं आपको। लालटेन ये हमारा, बाहर बैठो आप बोनफायर के पास लगा के आपको फुल रोशनी मिलेगी, पुराने जमाने का हीटर। गाइस पहले जमाने के हमारे ऑन ऑफ के बटन, ये देखो हमारी लाइट बंद हो गई और ये हमारी लाइट ऑन हो गई, ऑन हो गई। देखो गाइस यहाँ पे आ गया हमारा दाल चावल, आप भी मेरे साथ एंजॉय करें दाल चावल। देखो गाइस यहाँ पे हमारा लंच हो गया है और बहुत ही टेस्टी बनाया था भाई ने दाल चावल, बहुत मज़ा आया खा के और रायता। और अब हम जा रहे हैं रूम देखने, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं रूम, बहुत ही अच्छा है। और मुझे देखो गाइस ठंड लग रही है यहाँ पे क्योंकि मौसम हमारा चेंज हो गया है और लोग अपने घरों में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं और हम भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। आपको रूम दिखाती हूँ मैं ऊपर जाके, लैंडलाइन फ़ोन है चलता होगा ना। अरे देखो ये फ़ोन को देखे हुए तो जमाना हो गया, वाईफाई से कनेक्ट है ये। हाँ हाँ और देखिए ये हमारा कौन, और ये हमारा ये स्वीट रूम है, है? अच्छा पीछे ये हमारा नॉर्मल रूम है। देखो गाइस ये हमारा नॉर्मल रूम है और इसमें आप देख रहे होंगे पूरी दीवारें जो हमारी है, ये हमारी पूरी दीवारें जो हैं मिट्टी से लिपी हुई हैं, मिट्टी गोबर से पूरी, जो हमारे पुराने ज़माने में होता है, तभी इस जगह का नाम है 100 ईयर हेरिटेज। देखो गाइस और यहाँ पे हमारे वही हैं स्विच ऑन ऑफ वाले बटन पुराने ज़माने के, और ये हमारी लाइट है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। और यहाँ पे हमारा शीशा, अच्छा ये लैट्रिन बाथरूम है हमारा, ये देखो गाइस हमारा लैट्रिन बाथरूम है, गीजर है, आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलेगी यहाँ पे। गाइस यहाँ पे हमारी छोटी सी अलमारी है, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। देखो गाइस विंडो से आप पूरे गांव का आनंद ले सकते हैं, और हम इस टाइम पे आए हैं गर्मी का टाइम है तो हमें ऐसा लग रहा है कितनी ठंड लग रही है और एसी की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप खिड़की खोल दो बस आपका कमरा एसी से भी ठंडा, और यहाँ से आप पूरे गांव का नज़ारा ले सकते हैं, सुंदर सुंदर वादियाँ हैं हमारी। देखो गाइस हमारी विंडो, देखो गाइस ये हमारा डोर है जाने के लिए बाहर, अंदर आने के लिए। देखो गाइस अभी बारिश का मौसम हो रहा था और अभी हमारे यहाँ पे धूप आ गई है, मौसम भी करवट ले रहा है हमारा। देखो गाइस ये हमारा पूरा
कड़ी का काम है इसमें, पुराने जमाने का। देखो गाइस, ये क्या हमारा कमरा है दूसरा, और इसमें आपका एक्स्ट्रा बेड है, और इसमें एक रूम है अंदर, पर अभी यहाँ सामान रखा है इसलिए अभी हम जा नहीं रहे। चलो देख के आते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सामान रखा हुआ है, पर ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पे आपका फैमिली के लिए। देखो गाइस, अब मैं सीढ़ियों से उतर रही हूँ नीचे। और बहुत ही अच्छा है रूम, बिल्कुल प्रकृति के बीच में एकदम, बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस है। आप यहाँ आए अपनी गर्मियों की छुट्टी में, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और देखो गाइस, स्वीट रूम के लिए हमें पीछे से, और ये हमारे प्यारे से माल्टे का पेड़ है, फूल आए हुए हैं, और ये हमारा स्वीट रूम है पीछे, हम भी जा रहे हैं पीछे। देखो गाइस, शाम हो रही है, और देखो इधर धूप जा चुकी है इस वाले पहाड़ में, और आगे वाले पहाड़ में आपको धूप दिख रही होगी। ऐसे ही होता है पहाड़ों में, एक साइड धूप एक साइड छाँव। यहाँ सुबह जल्दी धूप आ जाती है और शाम को जल्दी चली जाती है। और ये देखो, ये रहा हमारा 100 ईयर हेरिटेज होम स्टे। देखो गाइस, ये हमारा लिविंग रूम है। बैठो लक्ष्मी साचू, बैठो। और देखो गाइस, मौसम इतना ठंडा हो गया है, हमें यहाँ पे ठंड लग रही है। और ये हमारा स्वीट रूम है, बहुत ही शानदार, और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे हमें। और ये हमारा है ड्राइंग रूम, और सॉरी क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग रूम। यहाँ पे आप शीशे देख के तैयार हो सकते हो। और ये हमारा लैट्रिन बाथरूम है। हर बाथरूम में आपको गीजर मिलेगा, क्योंकि यहाँ 12 महीने गर्म पानी से नहाते हैं। पहाड़ों में बहुत ठंड होती है, चाहे वो गर्मी हो का मौसम हो और चाहे वो ठंडियों का मौसम है। अभी भी हम आए हैं, पर मुझे हमें यहाँ ठंड लग रही है। गाइस, आप खिड़की से पूरी पहाड़ की वादियों का आनंद ले सकते हैं। बच्चों के लिए आपका लिविंग एरिया है बाहर में, जहाँ पे बच्चे बैठ के आराम से टी कॉफी पी सकते हैं। और ये हमारा इधर ड्रेसिंग रूम है, आप अपना सज धज सकते हैं। वॉशरूम भी हमारा इधर ही है, और बहुत ही प्यारा हमारा ये 100 ईयर हेरिटेज होम स्टे है जेरीखाल के पास, जेरीखाल में। और ये देखो, यहाँ पे इतनी प्यारी सीनरी है। और ये पूरा हमारा जो है, ये लिपाई वाला ऊन है, जो पहले पुराने ज़माने में हुआ करते थे, इसीलिए इसका नाम 100 ईयर हेरिटेज होम स्टे है। देखोगा, ये हमारा पीछे कॉटेज है, हम जा रहे हैं आगे। और यहाँ पे हमारा बहुत ही प्यारा डॉगी है, जो कि हमारे साथ खेलने के लिए तैयार है। अले 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 अले, टाटा, चलो 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 चलो, बाय। देखो गाइस, सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं हम, और बच्चे आके भाग गए हैं। और ये हमारा 100 ईयर हेरिटेज होम स्टे। सड़क यहाँ पर से थोड़ी ही दूरी पे है, और मौसम भी हमारा बारिश वाला हो रखा है।